नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज मैं यूनिवर्सल बोर्ड की मेन आईसी सिस्टम कंट्रोल आईसी जो है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आईसी है 59, ये आईसी है वो, उसके पिनों के विवरण के बारे में आपको बताऊँगा और कौन सी पिन क्या फंक्शन करती है ये आपके बारे उसके बारे में बताऊंगा। इसकी पिन नंबर 5 जो है सप्लाई पिन है। सबसे पहले सप्लाई पिन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है 14 नंबर पिन है, ये भी सप्लाई नंबर पिन है जिसमें 1.25 वोल्ट आते हैं। उसके बाद ये जो मैंने लगाया है, ये 34 नंबर पिन जो है, ये 3.4 वोल्ट सप्लाई पिन है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो 51, ये 3.3 वोल्ट सप्लाई पिन है। उसके बाद 52, ये भी सप्लाई पिन है। इसके बाद ये आते हैं अपन 56, ये 1.8 वोल्ट सप्लाई पिन है। इसके बाद यहाँ जो आते हैं अपन 59, ये 3.3 वोल्ट है। 16 जो है 1.25 वोल्ट। इसके बाद आते हैं ये यहाँ पर 67, 3.3 वोल्ट LVDS सेक्शन के काम करने के लिए है। यहाँ से अपन पैनल के लिए सप्लाई देते हैं, पैनल के लिए यहाँ से ये कनेक्शन निकलते हैं, जितने की ये कनेक्शन निकले हुए हैं। इसके बाद ये जो सप्लाई है जो 82, 3.3 वोल्ट ये सप्लाई पिन है। इसके बाद ये जो 87, ये 1.25 वोल्ट सप्लाई पिन है। और यहीं से देखिएगा आप, ये पैनल के लिए ऑन ऑफ पैनल कंट्रोल वोल्टेज के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं ये यहाँ से। इसके बाद ये 100 पिन जो है 3.3 वोल्ट के लिए है। उसके बाद ये आते हैं 109 पिन से 1.8 वोल्ट, ये जो है अपना सप्लाई पिन है। इस तरीके से ये सर्किट के लिए काम करने के लिए सप्लाई दी जाती है। एक नंबर पिन से ये जो निकले हुए यहाँ पर HDMI पोर्ट के लिए कनेक्शन निकले हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद ये HDMI के लिए, ये VGA के लिए, ये VGA के लिए खड़ा है, VGA के लिए सप्लाई यहाँ से जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद जो यहाँ पे ये जो है, ये वीडियो इन पिन है, यहाँ से वीडियो इनपुट आती है। यदि वीडियो नहीं आ रहा है किसी भी TV पर, तो अपन यहाँ पे चेक करें कि वीडियो यहाँ से इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि यहाँ से वीडियो अपन दे रहे हैं सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, तो इसको अपन को इसको आईसी को पहुँचना चाहिए और यहाँ से ये पैनल के लिए जाएगा। और यहाँ पे ये VGA के लिए है, VGA के लिए वीडियो सिग्नल्स देते हैं यहाँ से। ये ऑडियो, यहाँ से ऑडियो सिग्नल इनपुट होते हैं। ये एक नंबर लेफ्ट राइट दोनों के लिए दिए गए हैं यहाँ से इनपुट, है ना। ये इस तरीके से ये बताया गया है। तो और यहाँ ये जो पेन मैंने बताई है, ये जो है LVDS के लिए, जो येलो कलर के जो दिए हुए हैं ये LVDS के लिए। और यहाँ पे ये ब्लू कलर के जो दिए हुए हैं USB के लिए है, USB 1, USB 2 उसके लिए यहाँ से सप्लाई गई हुई है, ठीक है। बैक लाइट ऑन ऑफ के लिए यहाँ से सिग्नल्स गए हुए हैं। इस तरीके से ये सर्किट काम कर। आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।